जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पानी। जालौन से खबर। ब्राह्मण समाज ने मनाया होली मिलन समारोह। राष्ट्रीय ब्राह्मण एकता संघ के बैनर तले ब्राह्मण समाज का होली मिलन कार्यक्रम अंशुमान दीक्षित के तुलसी ग्राम के पटेल नगर स्थित आवास पर पंडित श्री ब्रज मोहन बुधौलिया की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। राष्ट्रीय ब्राह्मण एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक दीक्षित ने समस्त आगंतुकों का स्वागत किया। ब्राह्मणों के आराध्य देव भगवान परशुराम जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें अबीर गुलाल लगाकर समारोह में शामिल विप्रजनों ने होली मिलन समारोह मनाया। समाज में एकता और अखंडता का संदेश देते हुए समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन का संदेश दिया गया। जनपद जालौन के उरई नगर क्षेत्र में तुलसीधाम गेस्ट हाउस के निकट स्थित समाज सेवी व अधिवक्ता अंशुमान दीक्षित के आवास पर आयोजित किया गया कार्यक्रम। कार्यक्रम में हृदेश पांडे, श्याम किशोर द्विवेदी, ब्रजमोहन बुधौलिया जिलाध्यक्ष, राम किशोर शर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आदित्य शुक्ला विरगुबा, पवन तिवारी जालौन, सुयश मिश्रा शीतला मंदिर उरई, दीपक पांडे पांडेनगर, प्रमोद कुमार द्विवेदी, सुदामा दीक्षित, अनिरुद्ध द्विवेदी इटौरा गुरु, दीपराज द्विवेदी, आशुतोष द्विवेदी, लक्ष्मी करत पाठक एडवोकेट, गोल नायक संजय द्विवेदी, माधोगढ़ नवेंद्र उपाध्याय, रामेंद्र त्रिपाठी जिला पंचायत सदस्य, शानो पाठक समेत आधा सैकड़ा विप्रजन उपस्थित रहे। इस वक्त जालौन मेट्रो कंसल्टिंग एडिटर देवेश स्वर्णकार जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी देवेश जी, इस संदर्भ में क्या जानकारी है आपके पास? जी रश्मि, आज संबंध में हमारे पास जो जानकारी उसके मुताबिक आज जनपद जालौन के उरई नगर क्षेत्र में स्थित तुलसीधाम गेस्ट हाउस के पास जो है अंशुमन दीक्षित एडवोकेट हैं, उनके आवास पर आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। दरअसल ब्राह्मण समाज के जो वयोवृद्धजन हैं या ये जो समाज सेवी हैं या जो और अन्य क्षेत्रों में जिन्होंने अपना अपना स्थान हो पाया है, वो आज सारे के सारे वहाँ महारथी इकट्ठे थे। सबसे पहले तो उन्होंने भगवान जो है परशुराम जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको अबीर गुलाल लगाया और उसके बाद कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और वहाँ पर जो है एक दूसरे से परिचय कराया गया, एक दूसरे का परिचय कराया गया कि कौन कहाँ से आया है। और इस पूरे कार्यक्रम में जो सुदामा दीक्षित जी हैं, बहुत समाज सेवी हैं, वो भी उपस्थित थे। रामेंद्र त्रिपाठी हैं जो युवा हैं और अपनी सबसे कम उम्र में जिला पंचायत सदस्य बने हैं, जिसका उन्होंने इतिहास भी बनाया है, रिकॉर्ड भी बनाया है। साथ ही नेशनल शूटर दीपक पांडे वो भी वहाँ मौजूद रहे, चूँकि दीपक पांडे रामलीलाल पांडे गर्ल्स इंटर कॉलेज है उसके संचालक भी हैं, तो वो भी वहाँ मौजूद थे। मतलब काफ़ी लगभग दो दर्जन से अधिक आज विप्र समाज के लोग वहाँ इकट्ठे थे और इन सब ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सबसे पहले एक दूसरे को अभी लगाया, गले गुलाल लगाया, होली मनाई, फूलों की भी होली मनाई। साथ ही फिर उन्होंने समाज के प्रति लोगों के जो उत्तरदायित्व होते हैं, उनके जो जिम्मेदारियां होती हैं, उन पर भी गहन चर्चा की, क्योंकि उनका कहना ये था कि जब तक समाज की एकता और अखंडता के लिए अगर कोई काम नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी समाज हो आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, समाज सेवा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो या एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में हो। जब तक आप अपने समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझेंगे और अपने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन करेंगे, तभी समाज उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।